हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर के आई टी आई में। तो दोस्तों, यह जो क्वेश्चन आज का लेकर आए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि यह यू पी पी सी एल टी जू टू में 2021 में एक पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो यह सेट नंबर 24 होगा। इससे पहले ऑलरेडी 23 सेट हम कंप्लीट करा चुके हैं, तो अगर आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पर विजिट करके ज़रूर देख लीजिएगा। और ये सभी क्वेश्चन जो 27/3/2021 में यू पी पी सी एल टी जी टू में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आने वाले समय में चाहे आपका ए एल पी सी बी टी टू एग्ज़ाम हो या यू पी पी सी एल टी जी टू हो या फिर अभी हाल में इसरो का होने वाला है, तो ये सब में बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन होने वाला है। तो दोस्तों, इसमें हम क्या करते हैं, क्वेश्चन से रिलेटेड जितना भी फैक्ट होता है इसको डीपली हम एनालिसिस कराते हैं, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में फॉरवर्ड कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो एक बार लाइक ज़रूर करिएगा और प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर आज का पहला है, अधिप्लवन मार्ग जिसे स्पिल वे कहते हैं विद्युत संयंत्रों में पाए जाते हैं। पहला थर्मल में, दूसरा हाइड्रो में, तीसरा न्यूक्लियर में, चौथा सोलर में। तो दोस्तों, स्पिल वे का मेनली यूज हाइड्रो पावर प्लांट में किया जाता है, तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बात करें स्पिल वे क्या होता है, तो स्पिल वे दोस्तों जब बांध बनता है तो उसमें जब पानी ज़्यादा भर जाता है बरसात के दिनों में, बांध के ओवरफ्लो होने लगता है, तो स्पिल वे के माध्यम से हम क्या करते हैं, पानी को डिस्चार्ज कर देते हैं, ठीक है। जो स्पिल वे की सहायता से जलाशय को जो पानी है उसको मतलब एक वांछित सीमा बनाए रखता है, ठीक है। यह कंक्रीट के बनाए जाते हैं और मतलब उसको पानी को निकालने के लिए एक गेट बनाया जाता है इसमें स्पिलवे का, ठीक है। तो यह हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिक स्टेशन में प्रयोग किया जाता है, यानी जल विद्युत में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। बात करें थर्मल पावर प्लांट का, तो थर्मल पावर प्लांट आपका तापीय ऊर्जा होता है, यानी कोयले वगैरह से ये विद्युत ऊर्जा परिवर्तित करता है। और न्यूक्लियर जो होता है यूरेनियम से हमें विद्युत पैदा करता है, यूरेनियम को जलाते हैं उसके बाद टरबाइन पे रोटेट करा के इलेक्ट्रिक पावर लेते हैं। सोलर से प्रकाश सौर ऊर्जा होता है, तो सौर ऊर्जा से डायरेक्ट हम विद्युत ऊर्जा में से कन्वर्ट कर देते हैं। क्वेश्चन अगला हमारा, जब लाइन का एक सिरा डेड इन होता है या कोना या तीव्र वक्र होता है, तो लाइन में अधिक तनन तनाव होता है, ठीक है। अत्यधिक तनन से लाइन को निकालने के लिए डॉट का उपयोग किया जाता है। पहला पिन इंसुलेटर, दूसरा साइकिल इंसुलेटर, तीसरा सस्पेंशन इंसुलेटर, चौथा स्ट्रेन इंसुलेटर। तो दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। जो स्ट्रेन इंसुलेटर होता है यानी विकृति सह विद्युत रोधी होता है, ये मेनली कर्व लाइन है या फिर कहीं पे मुड़ान है, नदी पहाड़ है, तो ये सब जगह में स्ट्रेन इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। दोस्तों, यह एक प्रकार का सस्पेंशन इंसुलेटर होता है। सस्पेंशन इंसुलेटर में छत की स्थिति में स्ट्रेन इंसुलेटर लगा होता है, मतलब ऐसे इस तरह लगा होता है, जो मेनली नदी पहाड़ या कहीं कर्व है, घुमावदार है, वहाँ पे लगाया जाता है। बात करें पिन इंसुलेटर, तो पिन इंसुलेटर आपका 33 kV तक प्रयोग किया जाता है। जो साइकिल इंसुलेटर होता है, तो साइकिल इंसुलेटर 650 वोल्ट तक प्रयोग किया जाता है। जो एल टी लाइन में, लो वोल्टेज लाइन में प्रयोग किया जाता है। और सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर जो होता है, तो 166 से 132 kV या ऊपर वाले वोल्टेज में सस्पेंशन इंसुलेटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट आप याद रखेंगे। क्वेश्चन हमारा अगला है, एक 8 पोल ध्रुव डीसी जनरेटर में 960 आर्मेचर चालक और प्रति ध्रुव फ्लक्स 20 mW है, जो 500 RPM पर चल रहा है। यदि आर्मेचर को सिंप्लेक्स लैप कुंडली के रूप में जोड़ा जाए तो उत्पादित ईएमएफ की गणना करना है। तो दोस्तों, जो गिवन है उसको पहले हम लिख लेंगे, ठीक है, फिर उसके बाद देन उत्पादित ईएमएफ का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पोल दे दिया है, 8 पोल है और
आर्मेचर चालक 960 आर्मेचर चालक और प्रति ध्रुव फ्लक्स 20 मिली वेबर है, यानी आपका जेड का मान दे दिया है कितना, 960 दे दिया है, 960 दे दिया है। और यहाँ पे फाई का मान दे दिया है कितना, फाई का मान हमारा है 20 मिली वेबर, यानी 20 × 10⁻³ वेबर हो जाएगा, ठीक है। और एन का मान दे दिया है 500 आरपीएम। तो हम फिर देन फार्मूले से निकाल लेते हैं, तो फार्मूला कौन सा है, तो फार्मूले आपका ईएमएफ बराबर एन पी फाई जेड बटा 60 ए, ये फार्मूला है। तो इस पे हम इंड्यूस ईएमएफ का मान निकाल लेंगे, तो एन का मान दिया है 500 इंटू, पी का मान 8 है, क्यू का मान कितना है 20 × 10⁻³ है, और जेड का मान कितना है 960 है बटा के 60 × a। देखिए लैप है तो लैप में a बराबर p हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, a बराबर p, तो p का मान 8 है तो a का मान भी 8 हो जाएगा। तो अब काट लेते हैं, तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। तो सभी दोस्तों काटने के बाद जो आपका राइट आंसर आ जाएगा वो ऑप्शन कितना हो जाएगा, सी हो जाएगा, 160 वोल्ट आ जाएगा। तो आप लोग गुणा भाग कर लीजिएगा, स्पेस की वजह से हम गुणा भाग नहीं कर पा रहे हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 160 वोल्ट हो जाएगा। इजली से जो गिवेन हुआ है उसको हम निकाल देंगे, देन उसके बाद ईएमएफ बराबर एन पी फाइव जेड बाई 60 ए से हम निकाल देंगे आसानी से, ठीक है। ये क्वेश्चन दोस्तों हर एक एग्ज़ाम में, कोई भी चाहे कॉम्पिटिटिव छोटा हो या बड़ा एग्ज़ाम हो, सब में जो भी इलेक्ट्रिकल का एग्ज़ाम है, इलेक्ट्रीशियन का एग्ज़ाम है, उसमें ज़रूर 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर डीसी जनरेटर डीसी मोटर से आता है, ठीक है। तो चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। संकेंद्रिंग कुंडली यानी सेंट्रिक वाइंडिंग के संदर्भ में निम्न विकल्पों में से गलत कथन का चयन करें। पहला है, इस प्रकार की कुंडली में शीतलन के लिए अधिक स्थान होता है। दूसरा है, कुंडलन भुजाओं में अंततः पतता नहीं होता, अतः कुंडलन मशीन द्वारा की जाती है जिससे तीव्र उत्पादन होता है, सही है। तीसरा है, कुंडलन के दौरान कुंडली भुजाओं को अंततः पटलित करने के लिए उठाने की आवश्यकता नहीं होती है। चौथा है हमारा, स्टेप्ड फार्मर की आवश्यकता नहीं होती है। तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जो है स्टेप्ड फार्मर की आवश्यकता नहीं होती है, यानी संकेंद्रिक जो वाइंडिंग होती है सभी कॉइलों का केंद्र एक ही ओर होता है, एक ही होता है, ठीक है, एक ही ओर होता है, ऐसे संकेंद्रिक सेंट्रिक जो वाइंडिंग होती है तो इस तरह कुछ होती है, ठीक है। तो इस प्रकार की जो वाइंडिंग होती है इसकी मुख्य विशेषता क्या होती है कि इसमें शीतलन के लिए अधिक स्थान प्राप्त होता है, ठीक है। मुख्य विशेषता यह है कि इसमें शीतलन के लिए अधिक स्थान प्राप्त होता है। और भी इस प्रकार की जो वाइंडिंग होती है सिंगल फेज मोटर में प्रयोग की जाती है, कहाँ प्रयोग की जाती है, सिंगल फेज मोटर में प्रयोग की जाती है। और इसके जो कॉयल हैं एक दूसरे पर चढ़े हुए नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये सब पॉइंट आप याद रखेंगे, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नाभिकीय विद्युत स्टेशन न्यूक्लियर पावर प्लांट स्टेशन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, ठीक है। पहला ऑप्शन दिया है, गुणन द्वारा विखंडन सामान्यतः रेडियोधर्मी होता है। दूसरा, इसका संचालन कम विश्वसनीय है। तीसरा, थोक विद्युत शक्ति उत्पादन हेतु इस प्रकार का संयंत्र बहुत ही किफायती है। चौथा है, काफी कम मात्रा में ईंधन की आवश्यकता होती है। दोस्तों क्वेश्चन आपका ऑप्शन बी जो है यह गलत दिया है, ठीक है। तो इसमें वही पूछ रहा है, संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा, यह नाभिकीय विद्युत स्टेशन से रिलेटेड नहीं है, सही नहीं है, क्योंकि इसकी संरचना कम विश्वसनीय नहीं है, ज़्यादा विश्वसनीय होती है।
तो हम जो नाभिकीय विद्युत स्टेशन का लाभ देख लेते हैं। तो पहला लाभ जो होता है दोस्तों, नाभिकीय इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में ईंधन जो दिया है, ईंधन की बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है, जो है ना काफ़ी कम ईंधन की मात्रा की आवश्यकता होती है। दूसरा जो लाभ होता है, इसमें ईंधन परिवहन खर्च भी कम हो जाता है क्योंकि ईंधन बहुत कम लगता है, ठीक है ना। तीसरा, बड़े शक्ति उत्पादन के प्लांट की मतलब कंपैरिजन में यह छोटा प्लांट होता है। और कोई इसमें चौथा है, कोई मानसून का भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। और इसका जो है क्या होता है, इस संयंत्र को मतलब कहीं भी पीक लोड पे अगर हमें पावर की ज़रूरत होती है तो एकाएक इसे हम पीक लोड पर भी यूज कर सकते हैं। यह जो संयंत्र होता है उच्च लोड फैक्टर मतलब 80 से 90% अच्छी कार्य कुशलता के लिए जाना जाता है, ठीक है। और इसमें निम्न मूल्य भी लगता है, इसका लो कास्ट होता है, ठीक है। तो ये सब अपना लाभ होता है नाभिकीय विद्युत संयंत्र का। इसमें ईंधन के रूप में क्या क्या प्रयोग किया जाता है, यूरेनियम 235, थोरियम 232 और पीयू 239। तो ये सब जो है ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है, मतलब परमाणु तोड़कर उत्पन्न करके गर्म किया जाता है और उसे यांत्रिक ऊर्जा में बदल लिया जाता है, ठीक है। तो ये सब नाभिकीय संयंत्र से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखेंगे तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा कम रख रखाव वाली मोटर है। पहला डीसी सीरीज मोटर, दूसरा प्रेरण मोटर, तीसरा स्लिपरिंग मोटर, चौथा है तुल्यकालिक मोटर। तो दोस्तों सबसे अच्छा रख रखाव मतलब कम मेंटेनेंस वाली प्रेरण मोटर होती है, जो ऑप्शन बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। जो प्रेरण मोटी होती है वह सबसे कम रख रखाव वाली मोटर होती है। तो प्रेरण मोटर एसी पे वर्क करती है, ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। प्रेरण मोटर दो प्रकार का उसका रोटर होता है, एक स्क्वायरल केज रोटर और एक स्लिप रिंग रोटर होता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1500 आरपीएम पर चल रहे एक चार ध्रुव तीन कला प्रत्यावर्तित में 240 वर्तन प्रति कला और 0.02 वेबर अभिवाह प्रति ध्रुव है। प्रत्यावर्ती के एक कला में प्रभावी वोल्टता ज्ञात करें, ठीक है। तो एक कला में प्रभावी वोल्टता ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहां से क्या करेंगे, पहले हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो जो जो दिया है लिख लेते हैं, एन क्या दिया है 1500 आरपीएम है और पी क्या दिया है चार पोल दिया है और उसके बाद टी या एन दे दिया है अपना, टी यहाँ पे लेते हैं, टर्न रेशियो 240 दे दिया है वर्तन पर कला, ठीक है। उसके बाद ई ज्ञात करना है, तो एफ का मान निकाल देते हैं। तो हम जानते हैं NS बराबर 120 F बटा पी या F बराबर NS इंटू पी बटा 120 हो जाएगा। तो NS का मान 1500 इंटू पी का मान 4 बटा 120। तो इसको अगर काट लेंगे तो आ जाएगा 50 हर्ट्स। F का मान कितना आ गया, 50 हर्ट्स आ गया, 50 हर्ट्स। जब एफ का मान आ गया तो हम जानते हैं ई बराबर 4.44 फाई एफ टी, ठीक है टी। तो बस इसी में मान रख देंगे, तो 4.44 फाई का मान दिया है 0.02 वेबर इंटू एफ का मान 50 अभी निकाले हैं, टी का मान दिया है 240 दिया है। तो जब दोस्तों गुणा भाग करेंगे तो आपका आ जाएगा 1.066। तो देख लेते हैं ऑप्शन में 1.066, तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1.066 केवी आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, वोल्ट में आएगा। तो इसे क्या करेंगे, 1000 से हम गुणा कर लेंगे तो ये केवी में हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन के बी में पूछा है।
राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, तो इजीली से आप निकाल लेंगे यार। अगला क्वेश्चन है, किस परिपथ में परिपथ के किसी भी बिंदु पर धारा समान होती है, शॉर्ट में, लूज में, पैरल में, सीरीज में। तो किस परिपथ में किसी भी बिंदु पर धारा समान होती है, किस में होती है, श्रेणी सर्किट में। ठीक है, याद रखेंगे श्रेणी सर्किट में क्या होता है, हर एक पॉइंट पे करंट का मान समान होता है। और यही बात करें श्रेणी में वोल्टेज का मान, तो हर एक परिपथ में वोल्टेज का मान अलग अलग होता है। और बात करें समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में वोल्टेज का मान समान होता है और करंट का मान अलग अलग होता है। ठीक है, और लूज सर्किट क्या होता है, कोई भी वायर है, वायर को ढील डाल, अगर वायर हमारा हो जाता है तो वह शॉर्ट करने लगता है। ठीक है, तो उसे लूज सर्किट कहते हैं। और शॉर्ट सर्किट क्या होता है, शॉर्ट सर्किट जब दो तार आपस में चिपक जाते हैं, सट जाते हैं, तो उसे हम शॉर्ट सर्किट करते हैं। शॉर्ट सर्किट में जो है करंट का मान बहुत ज़्यादा हो जाता है, वही बात करें वोल्टेज का मान शून्य हो जाता है शॉर्ट सर्किट में। और एक होता है ओपन सर्किट, तो ओपन सर्किट में दोस्तों करंट का मान जीरो हो जाता है और वोल्टेज का मान बहुत ज़्यादा हो जाता है, इनफिनाइट तक हो जाता है। ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। क्वेश्चन अगला है, चल लौह यंत्र यानी मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के संदर्भ में निम्न विकल्पों में से गलत कथन का चयन करें। पहला है, इनमें यथार्थ और औद्योगिक कोटि दोनों की सीमाओं के भीतर संतोषजनक सटीकता स्तर होता है, सही बात है। दूसरा है, ये अपने सरल निर्माण के कारण मजबूत नहीं होते हैं, एक गलत बात है। तीसरा देखते हैं, इनमें इनका प्रयोग प्रत्यावर्ती धारा एसी और दिष्ट धारा दोनों के लिए किया जाता है, सही बात है। चौथा, इनमें घर्षण त्रुटि का मान बहुत कम होता है, तो ये भी सही बात है। दोस्तों ये सभी सही है, लेकिन आपका ऑप्शन बी जो है बिल्कुल गलत है। ठीक है, गलत है, तो इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ये अपने सरल निर्माण के लिए मजबूत नहीं होते हैं, तो एक गलत बोल रहा है। ठीक है, तो बात करें मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का, तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट जो होता है इन यंत्रों का प्रयोग एसी और डीसी, एसी देन डीसी दोनों सर्किट में दोनों धाराओं को करते हैं। और इसकी जो धारावाही क्षमता होती है, करंट कैपेसिटी जो होती है वह अधिक होती है दोस्तों। ठीक है, और इसकी तीसरी बात, इसकी जो बनावट होती है सस्ती होती है और साधारण होती है और मजबूत होती है। ठीक है, और इसको जो चलाने वाला टार्क होता है वह इसमें प्रबल होता है। ठीक है, टार्क जो होता है प्रबल होता है। और इसका पैमाना हम बात करें तो यह नॉन लीनियर होता है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। ये मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट पूछ देता है लीनियर है या नॉन लीनियर है, तो इसका जो पैमाना होता है वह नॉन लीनियर होता है। ठीक है, वही बात करें जो PMMC है तो उसका जो पैमाना होता है लीनियर होता है, लीनियर होता है। ठीक है, तो ये आपसे पूछ देता है। PMMC का फुल फॉर्म परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉयल होता है। और इसका मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में पैमाना नॉन लीनियर होता है और इसमें घर्षण त्रुटि का मान बहुत कम होता है। ठीक है, तो ये सब भी पॉइंट आप याद रखेंगे, तो ऑप्शन बी इसमें गलत हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है, द्विक लैंप कुंडलन एंड डुप्लेक्स लैंप बाइंडिंग में कुंडली एक का अंत अग्रह .. के आरंभिक अग्रह से जुड़ा होता है। देखिए लैंप जो होता है, लैंप में क्या होता है, ए बराबर पी होता है, और वेव में क्या होता है, ए बराबर टू होता है। ठीक है, लैप में करंट का मान ज़्यादा होता है और वोल्टेज का मान कम होता है। तो बात करें वेव में, तो वोल्टेज का मान ज़्यादा होता है, करंट का मान कम होता है। ठीक है, तो और लैप को हम समांतर में जोड़ते हैं, और वही बात करें वेव, तो वेव बाइंडिंग को हम
सीरीज में जोड़ते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जब द्विलैप कुंडलन है तो अग्रिम जो आंतरिक अंतरण होता है वह कुंडली थ्री हो जाएगी। ठीक है, तो तीन के आरंभिक अंतरण से जुड़ा होता है, पहला दूसरा नहीं जुड़ता है, किससे जुड़ता है, तीसरे से जुड़ता है। ठीक है, तो कुंडली थ्री से जुड़ेगा, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों कुछ इस प्रकार यह जुड़ता है, जैसे अपना कम्यूटेटर हो गया, तो यहाँ से होकर दूसरा नहीं तीसरा में जाएगा। ठीक है, अब ये सॉरी पहला पहला दूसरा तीसरा, ये तीसरा में आ जाएगा, और फिर यहाँ से उठेगा यह तीसरा में जाएगा, फिर यहाँ से उठेगा यह तीसरा में जाएगा, तो कुछ इस तरह इसका वाइंडिंग होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूर्ण भार और शिखर भार के अनुपात को डॉट 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 कहा जाता है, डाइवर्सिटी फैक्टर, लोड फैक्टर, डिमांड फैक्टर, एवरेज फैक्टर। ठीक है, तो पूर्ण भार और शिखर भार के अनुपात को डाइवर्सिटी फैक्टर कहते हैं, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विविधता फैक्टर, डाइवर्सिटी फैक्टर का मान एक से ज़्यादा होता है। ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे, बाकी सबका एक से कम होता है लेकिन डाइवर्सिटी फैक्टर का मान एक से ज़्यादा होता है, सदैव एक से ज़्यादा होता है, इसको आप याद रखेंगे, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन अगला हमारा, किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे मृदु लोह को किसी परिनालिका सोलेनाइड के तीव्र चुंबकन क्षेत्र में रखा दिया जाता है तो यह डॉट 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 हो जाता है, क्या अस्थायी चुंबक, चालन द्वारा चुंबक, प्रेरण द्वारा चुंबक, प्रेरण द्वारा चुंबकीय। तो दोस्तों अगर कोई भी सोलेनाइड है उसे हम मृदु लोहा वगैरह है परिनालिका में और उसे चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो वह प्रेरण द्वारा चुंबक हो जाता है। ठीक है, किसके द्वारा, प्रेरण द्वारा चुंबक बन जाता है, तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रेरण द्वारा चुंबक हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित प्रतीक की सहायता से मापन यंत्र के प्रकार की पहचान करें। देखिए ये मापन हम आपको इस तरह फिगर देके पूछ रहा था, पिछले 2022 में जो राजस्थान टेक्निकल हेल्पर का एग्ज़ाम हुआ था इसमें यह क्वेश्चन पूछ चुका है, तो क्योंकि 2021 में पूछा था UPPCL में, अब डायरेक्ट उठा के 2022 में टेक्निकल हेल्पर में दे दिया यह क्वेश्चन। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से देख लीजिए, तो यह जो फिगर दिखाया गया है आपका किसका फिगर है, तो यह चल लौ यंत्र का है यानी मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का होता है, ऑप्शन यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यह मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का फिगर दिखाया गया है, तो इसको आप याद रखेंगे। क्वेश्चन अगला है, मोटर प्रवर्तक परिपथ यानी मोटर स्टार्टिंग सर्किट में प्रयुक्त निम्नलिखित प्रतीक की पहचान करें, यह प्रतीक दिखाया गया है इसका पहचान करना है, पहला है हमारा स्टार्टर जनरल सिंबल, दूसरा रियोस्टेट स्टार्टर, तीसरा हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर, चौथा ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह अपना स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है, स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है। ठीक है, देखिए अंदर आपका स्टार दिखाया गया है और उसमें इस तरह कर दिया है तो डेल्टा दिखाया गया है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। बात करें स्टार कनेक्शन, तो स्टार कनेक्शन क्या होता है, देखिए स्टार में वी एल बराबर अंडर रूट थ्री वी पी एच होता है, जबकि इसमें आई एल बराबर आई पी एच होता है। वही बात करें डेल्टा का, तो डेल्टा में वी एल बराबर वी पी एच होता है और आई एल बराबर रूट थ्री आई पी एच होता है, तो आप इसको याद रखेंगे, इस पर आता है न्यूमेरिकल। क्वेश्चन अगला हमारा, प्रखांचों की कुल संख्या और ध्रुवों की संख्या के अनुपात को डॉट 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 कहा जाता है, स्लॉट डिस्टेंस, वाइंडिंग फैक्टर, नंबर ऑफ कॉल्स पर पोल और पोल पिच। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, पोल पिच कहा जाता है, जो पोल पिच होता है वह खांचों की कुल संख्या बटा पोलों की कुल संख्या होती है। ठीक है ना, इसको आप याद रखेंगे।
और पिच फैक्टर जो होता है वाइंडिंग पिच बटा के पोल पिच, पिच फैक्टर बराबर और पोल पिच बराबर खांचों की कुल संख्या और पोलों की कुल संख्या होती है। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी पृष्ठ की प्रदीप्ति स्रोत से इसकी दूरी होती है। पहला के वर्गमूल के सीधे समानुपाती, दूसरा के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तीसरा के वर्ग के सीधे समानुपाती, के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती। तो दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ई समान होता है 1/r², ठीक है, ई समानुपाती r² होता है, ठीक है। जो पूरा फार्मूला होता है ई बराबर क्या होता है प्रदीप्ति में एलुमिनेशन में आई कॉस थीटा बटे r², आई कॉस थीटा बटे r² होता है। तो वही पूछा है, पृष्ठ की प्रदीप्ति स्रोत की दूरी से क्या होती है, तो स्रोत की दूरी से क्या हो जाएगी, ई व्युत्क्रमानुपाती r² हो जाएगा। वही पूछता आई के तो समानुपाती रहता और कॉस फाई के भी समानुपाती रहता, ठीक है। इसकी बात करें, इसकी जो इकाई होती है यह लुमेन पर मीटर स्क्वायर होती है, ठीक है, इसको भी आप याद रखेंगे। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिए गए प्रतीक में ट्रांसफार्मर के प्रकार को पहचानें। पहला करंट ट्रांसफार्मर V24, दूसरा है एयर कोर विभव ट्रांसफार्मर, तीसरा है हमारा एयर कोर धारा ट्रांसफार्मर, एयर कोर करंट ट्रांसफार्मर, चौथा है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर विद कॉमन कोर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, करंट ट्रांसफार्मर विथ टू कोर। देख सकते हैं यह एक कोर हो गया, यह दो कोर हो गया, इसलिए दो कोर वाली धारा ट्रांसफार्मर है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से कौन लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है। तो लौह चुंबकीय पदार्थ क्या होता है, फीकोनी यानी फेरस कोबाल्ट निकिल होता है। तो देख लेते हैं, निकिल है, कोबाल्ट भी है, इस्पात भी होता है, लेकिन प्लेटिना नाम का लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं होता है, ठीक है, लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो बात करें लौह चुंबकीय पदार्थ का, तो लौह चुंबकीय पदार्थ का जो चुंबकशीलता का मान होता है एक से अधिक होता है, एक से बहुत अधिक होता है, ठीक है। और ये जो प्लैटिनम वगैरह है आपका, एल्युमिनियम प्लैटिनम ऑक्सीजन, ये सब जो है अनुचुंबकीय पदार्थ में आते हैं, जिसका स्लाइटली मोर देन वन होता है, एक से कुछ ज़्यादा होता है। तो ये सब क्या होता है दोस्तों, लौह चुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, एक होता है प्रतिचुंबकीय पदार्थ। तो ये सब चुंबक का प्रॉपर्टीज है, जो लौह चुंबकीय पदार्थ है उसमें बहुत तेज़ी से अपनी ओर आकर्षित करता है चुंबक, और जो अनुचुंबकीय पदार्थ है उसमें स्लाइटली अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। तीसरा है प्रतिचुंबकीय पदार्थ, तो उसमें बिल्कुल नहीं चुंबक किसी वस्तु को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है वह वस्तु को। तो तीन प्रकार का यह होता है, तो यहाँ पे लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। और प्लैटिनम कौन सा है, तो प्लैटिनम जो होता है पैरा का होता है, यानी अनुचुंबकीय पदार्थ का यह गुण होता है। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, बाकी इस्पात निकिल कोबाल्ट सब होता है। क्वेश्चन अगला हमारा दोस्तों, विद्युत चालन के मामले में गति बलागुण यानी टार्क मोशन टार्क स्पीड टार्क संबंध वृत्तपात थर्ड यानी तीसरे में को कैसे संपादित किया जाता है, ठीक है, कैसे संपादित किया जाता है। तो दोस्तों देखिए चार बना लेते हैं इसका, जो क्वाड्रेंट जो होता है चार होता है, पहला दूसरा तीसरा और ये चौथा होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका स्पीड हो जाएगा
और यहाँ पे टार्प हो जाएगा, ठीक। और यहाँ बात करें, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव हो जाएगा, ये अपना पॉजिटिव हो जाएगा। तो पहला में क्या होता है, फॉरवर्ड मोटरिंग होता है, फॉरवर्ड मोटरिंग होता है, ठीक है। दूसरा में फॉरवर्ड ब्रेकिंग होता है, दूसरा में फॉरवर्ड ब्रेकिंग होता है। तीसरा जो कि क्वेश्चन में पूछा है, इसमें होता है रिवर्स मोटरिंग, ठीक है, रिवर्स मोटरिंग। और चौथा है, इसमें होता है चौथे क्वाड्रेंट में रिवर्स ब्रेकिंग होता है, ठीक है दोस्तों। तो यह चार होता है, इसको याद करने का शॉर्ट ट्रिक है अपना, ये स्पीड हो गया, ये टार्क हो गया, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, नेगेटिव ये पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पे फॉरवर्ड मोटरिंग कर देते हैं और इसके ठीक नीचे यहाँ पे रिवर्स मोटरिंग कर देते हैं, पहला से तीसरा में। फिर दूसरा में आपका फॉरवर्ड ब्रेकिंग होता है, उसके ठीक सामने रिवर्स ब्रेकिंग हो जाता है। तो इस प्रकार भी हम क्वाड्रेंट को याद कर सकते हैं, पहला होता है, ये दूसरा होता है, तीसरा होता है, ये चौथा होता है। तो हमें क्वेश्चन में तीसरा में पूछ रहा है, तो तीसरा में क्या होता है, रिवर्स मोटरिंग होता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं, पहला दिया है चालन या मोटरिंग चालन ऋणात्मक गति और टार के साथ त्वरण वित्तपात होता है, दूसरा जनन या आघोरण अग्रगामी और रोधन मंदन वित्तापात होता है, तीसरा जनन या आरोधन प्रतीक आरोधन मंदन वित्ताकार होता है, चौथा चालन या मोटरिंग चालन ऋणात्मक और धनात्मक बलागुण के साथ अग्रगामी त्वरण होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, मोटरिंग चालन जो होता है ऋणात्मक गति, ठीक है, मोटरिंग चालन ऋणात्मक गति और टार के साथ त्वरित मतलब वित्तपात होता है। थर्ड में हम क्या देखे हैं, रिवर्स मोटरिंग देखे हैं, मोटरिंग देखे हैं, ठीक है। तो इसको आप याद कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में हो सकता है पहला से पूछ दे, चौथा से पूछ दे और दूसरा से पूछ दे, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है डॉट 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 उस उपयोग निर्वात मार्जक यानी वैक्यूम क्लीनर का में किया जाता है जिसमें वास्तविक मोटर गति भार लोड स्पीड होती है, डीसी सीरीज मोटर, यूनिवर्सल मोटर, थ्री फेज इंडक्शन मोटर, डीसी शंट मोटर। तो राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यूनिवर्सल मोटर प्रयोग किया जाता है, जो वैक्यूम क्लीनर होता है उसमें जो यूनिवर्सल मोटर होती है प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन कंप्लीट होता है, आज के लिए बस इतना ही। तो वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम ऐसे ही वीडियो हर एक मतलब सेट में अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आते हैं, वो भी UPPCL TG2 का प्रीवियस ईयर का पेपर लेकर आ रहे हैं, जो सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन होता है। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्किल में फॉरवर्ड कर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।